नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, आपका अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके मन में इस समय की सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा था वो छात्रावास के आवंटन को लेकर चल रहा था कि हमको छात्रावास कितने नंबर पर मिलेगा, हमारे छात्रावास का फॉर्म कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा पहले सत्र 2020 और 21 के छात्र छात्राएँ जिन्होंने अपना प्रवेश लिया था, उनकी लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट आने का मतलब ये है कि जो इस समय बीए के सेकेंड ईयर में है वो अब प्रमोट हो गए हैं थर्ड ईयर में, यानी कि अभी तो ऑफिशियल नोटिस विश्वविद्यालय के प्रशासन से नहीं आई है, ट्वीट हो चुका है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप सत्र 2020 और 21 के विद्यार्थी हैं तो उनकी जो कट ऑफ है वो आ चुकी है। कट ऑफ आने का मतलब ये है, इसका पूरा आप समीकरण समझिए, कुल मिला के जितनी भी सीटें हॉस्टल में वैकेंट हैं 50% सीट्स जो है सत्र 2020 और 21 के छात्रों को दिया जा रहा है और 50% सीट जो है सत्र 2021 और 22 के छात्र छात्राओं को आवंटित किया जा रहा है। इस समय यूजी में संख्या कम है क्योंकि यूजी के छात्र छात्राओं को एसएसएल और पीसीबी मिल रहा है और लड़कियों को पीडी और शताब्दी मिल रहा है। तो इस वजह से हॉस्टल की जो कट ऑफ आई है, जो बीए सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं इस बार जो थर्ड ईयर में प्रमोट हुए हैं उनकी जो लिस्ट आई है उसमें 50% फुल स्ट्रेंथ के साथ लिस्ट आ चुकी है। यानी कि अगर इन 50% जो मतलब जो भी लिस्ट आई है, यानी मान लीजिए कि 100 कितना भी कट ऑफ गया हो, जो मिनिमम कट ऑफ आपका गिरा है, अगर इसमें से कोई भी विद्यार्थी अपने छात्रावास को नहीं लेता है तभी अगली कट ऑफ आने की संभावना है। बहुत लोग ये कयास लगा रहे हैं कि पहली लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी। तो अभी जो सूचना DSW के ऑफिस से मिली है वहाँ पर यही सूचना है कि मैक्सिमम आपकी कट ऑफ को गिरा दिया गया है। अब यहाँ से अगर वो खाली होती है सीटें तभी अगला कट ऑफ गिरेगा। उम्मीद यही है कि जिनको छात्रावास मिल रहा है सेकेंड ईयर में वो छात्रावास छोड़ने वाले नहीं हैं। हॉस्टल की जो फीस है वो आधी कर दी गई है, यानी कि लगभग 7,500 रुपये आपकी फ़ीस है। आप अपने छात्रावास के अधीक्षक से, अपने छात्रावास के ऑफिस में जा करके वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फीस आधी हो चुकी है, उसकी ऑफिशियल सूचना भी आ चुकी है। तो जिन छात्रों से कहा जाए कि आप पूरी फ़ीस जमा करिए, उनको पहले आप ऑफिशियल नोटिस दिखाइए। वहाँ अगर नहीं मानते तो आप DSW ऑफिस में आके उसकी शिकायत करिए। इसके साथ साथ आप DD बनवाइए। आप लगभग DD बनवा ही चुके होंगे जो कि सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप सब पिछले एक साल से विश्वविद्यालय में रह रहे हैं। समस्या फर्स्ट ईयर वालों की होती है। तो मोटे मोटे तौर पर आपके लिए सूचना ये थी, जो भी सत्र 2020 और 21 के विद्यार्थी हैं जिनको छात्रावास का आवंटन हुआ है वो अपनी DD को अतिशीघ्र बनवा कर अपने छात्रावास में जमा करें। फीस आपकी आधी है। जो और छात्र छात्राएं जिनको छात्रावास नहीं मिला है, जो कि कट ऑफ के नीचे हैं, वो अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करें। वो जहां रह रहे हैं वहीं वो रहने का काम करें। अगर स्थितियां जैसे बनती हैं, अगर मान लीजिए कि सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट रहती हैं, बहुत सारे छात्र नहीं लेते हैं, तब आपकी अगली कट ऑफ आएगी। किसी के झांसे में ना पड़िए। छात्रावास दिलवाने वाले जो आपको घूम टहल रहे हैं उनसे पहले कहिए कि आप अपने छात्रावास को दिखाइए। बहुत लोग आपको बहकाएंगे, पैसे की वसूली करेंगे छात्रावास के बहाने पे। आप किसी के चंगुल में न फंसिएगा। ये सूचना आपके लिए थी। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।